सबसे अच्छा पार्ट यही है कि इसका डिजाइन, अगर आप सोचे इसको कंपनसे ये लाइट इस तरीके से, ये बार में यहाँ पे दिया हुआ है और PSI में यहाँ ये जो थ्रेड दिया हुआ है थ्रेड। अब इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग देखेंगे, आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से Speed 16. So guys, आज हमारे पास है अनबॉक्सिंग करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए कार टायर इन्फ्लेटर। सो इसके बारे में देखेंगे कि कितना ये इफेक्टिव है, कैसी इसकी बॉडी है, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और पता चलेगा कि कितनी देर में ये एयर फिल कर देता है, किस कंडीशन में। कोशिश करेंगे ये कार में भी करें और इसके बाद साइकिल। तो मेक श्योर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही ढेर सारे लेटेस्ट अपडेट टैक्स रिलेटेड, ऑटो से रिलेटेड इस चैनल। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस ये बॉक्स है मेरे पास इस वक्त, और अगर मैं देखता हूँ इसकी जो बैजिंग की हुई है, यहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ है, अभी यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है और जो MRP दी गई है वो 3000 की अलग है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी तरीके का। तो यहाँ पे हमें मिलता है सबसे पहले एक मैनुअल, चलो इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं और इसके अंदर क्या मिलता है। टायर इन्फ्लेटर है जिसमें कि आपको जो नज़र आ रहा है वो एनालॉग डायल है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे फंक्शनिंग देखते हैं अभी इसकी। सो ये हमारा इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरी यहाँ पे राउटिंग की गई है, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये कंप्लीट राउटिंग। सो यहाँ पे हमें मिलता है ये, तो यहाँ पे जो आपके कनेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कनेक्टर है, इस तरीके से ये कनेक्टर आपको मिलेगा जो कि बड़ा इजीली सेटअप हो जाएगा। तो सबसे अच्छा पार्ट यही है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये आपका यहाँ पे आपकी बॉल वगैरह जितने भी होते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट में चीज़ है उसके लिए दिया हुआ है। इसमें भी थ्रेड दिया हुआ है और ये स्टील का दिया हुआ है, तो मैटलिक है बेसिकली, स्टील तो मैं कह नहीं सकता ये स्टील है या और कुछ है, बट ये मैटलिक दिया हुआ और वो आपका प्लास्टिक दिया हुआ है। तो देखने में ये ABS प्लास्टिक नज़र आ रहा है यहाँ पे, और जो कंप्लीट बॉडी है वो इसकी ABS की है, तो डिसेंट सी है, ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं नहीं कहूँगा प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है, बट उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी चीप भी है, ये भी हमें देखना होगा। अब इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग देखेंगे कार पर जाके। तो वायर जो है वो काफ़ी लंबी तो नहीं कहूँगा, इससे पहले जो इन्फ्लेटर आते थे उसमें इससे भी ज़्यादा लंबी होती थी, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ सकती है, तो आपको डोर साइड से इसको निकालना पड़ेगा, आप सिंगल वे से रोटेट नहीं कर सकते इस वायर को, तो ये आपको डोर टू डोर निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सोचे इसको कंप्लीट एक साइकिल करके आप घुमा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, उस हिसाब से ये कम है। प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, डिसेंट सी क्वालिटी है, ज़्यादा कोई अच्छी प्लास्टिक नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक प्लास्टिक है, रबड़ भी ठीक ठाक यूज़ की हुई है, तो 1299 में अगर ये मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है, अगर क्वालिटी अभी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करूँ। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे उसके बाद बताऊँगा कि कैसा प्रोडक्ट है ये। सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसकी लाइट जली हुई है यहाँ पे, तो ये जो बटन दिया हुआ है इस बटन से ये लाइट इस तरीके से जलती है, तो इस तरीके से कुछ लाइट जलती है, तो वाइट लाइट का ऑप्शन है इसमें और इसके अलावा कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं है, तो अच्छा ऑप्शन है, अंधेरे में कभी भी कहीं पर यूज़ करता है, कार के अंदर कुछ आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें काफ़ी बेनिफिट देगा आपको ढूंढने में किसी भी चीज़ को। और यहाँ पे ये इसका जो है बटन दिया हुआ है, इसको स्टार्ट करेगा, ये देखें ये हॉट एयर का जो फ्लो होगा वो इससे बाहर जाएगा, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट मैंने अनबॉक्सिंग में आपको बताया है, यहाँ पे ये होज दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये होज है, होज की भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, और यहाँ पर ये कुछ थ्रेडिंग दिया हुआ है इस तरीके का, तो अभी इसको लगा के टेस्टिंग करते हैं। सो गाइज यहाँ पे एनालॉग मीटर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो KPA में KPA बार में यहाँ पे दिया हुआ है और PSI में यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेड कलर जितना है वो PSI है और जो ब्लू कलर है वो आपका बार में दिया हुआ है। सो अगर बात करें जितनी भी कार है यहाँ पे 25 से ये 30 पे आएगा, 35 मोस्टली इसी के बीच में आपका रहने वाला है प्रेशर, तो चलिए अब देखते हैं कितनी देर में मेरी कार के अंदर ये टायर में एयर फिल कर देता है, वो काउंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसके बाद ट्राई करेंगे कि साइकिल में।
ये जो थ्रेड दिया हुआ है उस थ्रेड को यहाँ पे तो ये ऑलरेडी लग चुका है। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। मई के महीने में बाहर निकल के और इतने दिनों बाद बाहर निकल के ना पसीने की हालत देखो क्या हो रखी है, बहुत बुरा हाल है सच में। इतनी गर्मी बहुत ज्यादा। बाकी प्रोडक्ट की बात करूं तो 1299 में बहुत ज्यादा वर्थ रखता है प्रोडक्ट सच में। आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से बहुत जल्दी से एयर फिल करता है टायर के अंदर। तो मैं इसको, मुझे अच्छा लगा और आप भी यूज कर सकते हैं अगर आप एनालॉग मीटर पढ़ सकते हैं। नहीं तो इससे एक और अपग्रेड आता है जो कि डिजिटल मीटर के साथ आता है, तो वो 1600 के अराउंड आपको पड़ेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं एक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके का इन्फ्लेटर यूज़ कर रहा था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने ये मंगाया तो मुझे ये अच्छा लगा डेफिनेटली, क्योंकि टाइम इसने कम लिया, एयर को जल्दी फिल किया। और इसके साथ साथ कहूँगा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, और यूटिलिटी के हिसाब से अच्छा है। इजीली कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा आपका, इजीली रखा जा सकता है, इधर उधर मूव नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि रबड़ के कुशन दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्वालिटी एक डिसेंट सी है प्लास्टिक की, एयर जल्दी फिल करता है, तो मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और गाइज इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता है अगर लाइक। सो गाइज इसी के साथ विदा लूंगा, जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।